अभी भाई राजीव जी बता रहे थे, बहुत सारे हमारे भाई परेशान रहते हैं संडे का कार्यक्रम कैसे हो कैसे हो। हम फिर एक बार हम लोग आपको आशा दिलाते हैं कि आने वाले समय में अब थोड़े और धैर्य की आवश्यकता है। बहुत सारे भाई होता क्या है कि हम उग गए हैं भैया, घर में रहते रहते परेशान हो गए हैं, क्या करें कैसे करें। देखिए समय के साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। रात है तो दिन भी है, आकाश में बादल जब छा जाता है, कुहासा जब कोहरा घना होता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि अब फिर अच्छा दिन आएगा, धूप निकलेगी, बादल छटेगा, सब कुछ ठीक होगा। वैसा ही समय आया है। फिर हम सारे भाइयों से, अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप साधना को मजबूत करें। लगातार 1995 से लेके और आज तक हमारे आदरणीय मनीष भैया हर संडे के कार्यक्रम में हम लोगों को एक चीज़ तो देने का हमेशा प्रयास किए, एक चीज़ करने का हमेशा प्रयास किए कि हम लोग गायत्री मंत्र की साधना से जुड़े। बहुत सारे भाई आके कहते थे मन लगता नहीं है भैया, भटकता है, बार 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 एक अभ्यास। आपको पता है ये साधना क्यों कराई जाती है? अपने आप को साधने के लिए। गुरुवर की जब आप अच्छे अच्छे साहित्यों को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको मिलेगा कि जब आपका साधना मजबूत होगा तो साधन अपने आप आ जाएगी। इन दिनों बहुत सारे लोग परेशान हैं, हमारे जॉब का क्या होगा, हमारे भैया पढ़ाई का क्या होगा। आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको जॉब भी मिलेगी आने वाले समय में। आपके पास अगर शिक्षा है, टैलेंट है, तो आप रोटी दाल की चिंता न करें। अब इसमें क्या करें, साधना को मजबूत करें। साधना का मतलब भैया 24 घंटा बैठ के गायत्री मंत्र जपते रहें, नहीं, यह भी हमारे एक जीवन का पार्ट है। सुबह उठे, उठने के साथ ही पहले आधे घंटे हम सारे भाइयों से नम्र निवेदन करेंगे कि इस कोरोना काल के दौरान जिस समय आप तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, प्रेशर में हैं, मिनिमम 30 मिनट, 20 मिनट वाला जब सामान्य समय था तब के लिए था, मिनिमम 30 मिनट और पूरी भाव के साथ। ऐसा नहीं भैया बैठ के हम समय पूरा कर लिए, 30 मिनट डेली करते हैं भाव के साथ। फिर हम बताएंगे, छोटे बच्चे को देखिएगा खिलौना के बीच में छोड़ दिया जाता है और पूरे भाव के साथ उस खिलौना के साथ खेलते रहता है। उसको नहीं पता है मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, क्या है, अपने खिलौने में मस्त हो जाता है। या आप कई बार देखिएगा कि आपको कोई मूवी अच्छी लगती है, मूवी देखने बैठते हैं तो उसमें आप खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ दुनिया है, क्या है, कहाँ मेरा करियर है, जिंदगी है, सब कुछ। इसी भाव के साथ 30 मिनट नियमितता पूर्वक गायत्री मंत्र की साधना, ये क्या है, ये आपको मेंटल फ्यूल का काम करेगा। गाड़ी को बहुत दूर ले जाना है या गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी में फ्यूल की आवश्यकता है। यह हमारा शरीर क्या है, एक परमात्मा द्वारा दिया गया गाड़ी है, इसको आपको चलाना है, पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, इस पर सीधे इसको आगे बढ़ाना है। हम क्या करते हैं, ध्यान किए नहीं, एनर्जी लिए नहीं, ऊर्जा लिए नहीं, फ्यूल लिए नहीं, गाड़ी निकाल दिए। भाई थोड़ी देर दूर जाने के बाद गाड़ी एयर ले लेती है, रुक जाती है, फिर आप परेशान होते हैं, मेरी गाड़ी रुक गई क्यों। रुकने का मतलब हम तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कई बार इतना निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं कि 24 घंटा में 20 घंटा हम अनर्गल बातों को सोचते हैं। तो ये 30 मिनट जब गायत्री मंत्र की साधना हम करते हैं तो ये हमारे अंदर मेंटल फ्यूल, बॉडी में फ्यूल जाता है जो हमारे ऑरा को पॉजिटिव करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे 30 मिनट गायत्री मंत्र किए आपका थॉट पॉजिटिव होने लगा, आपके ऑरा को पॉजिटिव करेगा। जब ऑरा पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर बार बार पॉजिटिव सकारात्मक विचार आएंगे और जब ये विचार सकारात्मक होगा तो व्यवहार में बदलता है और ये व्यवहार धीरे 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 आपको आकर्षित करेगा कि हमको निगेटिविटी से दूर होना है और पॉजिटिविटी के करीब जाना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। नियमितता पूर्वक 30 मिनट गायत्री की साधना आपके जीवन की तमाम बुराइयों को, तमाम डिप्रेशन को, तमाम तनाव को दूर करेगा और आपकी गाड़ी को, यानी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये एक जीवन की साधना हुआ और जब व्यक्ति जीवन की साधना करता है तो वो कर्म क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाते चला जाता है, उसकी कर्म की साधना अपने आप आगे बढ़ने लगती है। तो अगर आपके पास साधना है तो आप साधन को उपलब्ध करा लोगे। अब रही, जब ये मेंटल फ्यूल मिलेगा तो एक साधना तो हो गया, जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमने लिया। अब जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं, जो व्यवसायी हैं या जिस जिस क्षेत्र में जो लोग कर रहे हैं, ठीक है आज के डेट में कोचिंग क्लास बंद है, आप सेल्फ स्टडी करिए ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। टीचर आपको गाइडलाइन देता है, हम लोग भी क्लास में गाइडलाइन करते थे, पढ़ते तो विद्यार्थी हैं,
सफलता तो प्राप्त, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आप देखिए ना, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाले का बेटा ने सफलता प्राप्त किया, साधारण परिवार के बच्चों ने सफलता प्राप्त किया। क्या था? उन्होंने अपने जीवन को साधा, पढ़ाई के प्रति साधा, अच्छाई के प्रति साधा। तो ये युवा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार हमेशा प्रयास करता है कि अनगढ़ को सुगढ़ बनाए, भटके को राह दिखाए। कैसे? विचार के माध्यम से। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था, बेटे आने वाले समय में वो पहले जैसी क्रांतियां नहीं होगी, लाठी डंडा वाली क्रांतियां नहीं होगी, विचारों की क्रांति होगी। हम विचारों से विचार को बदलेंगे, हम विचारों से विचार को काटेंगे, विचारों से विचार को बदलेंगे, और विचारों से ही लोगों को, पहले लोग मानते ही नहीं थे। विचारों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है क्या? एक बार एक महात्मा अपनी कथा सुना रहे थे, हम विचारों का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो एक कथा सुना रहे थे, उस कथा के दरमियान एक व्यक्ति उठा, और व्यक्ति उठने के साथ अचानक महात्मा के तरफ देखा, पूछा, बाबा जी हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। उन्होंने बोला, बोलिए। क्या विचारों का प्रभाव पड़ता है? उन्होंने कुछ नहीं किया, एक बार एक झटके में कहा, बैठो। तुरंत वो डरा और डर के बैठ गया। जब सारी चीज समाप्त हुई, सब कुछ समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद वो बेचारा बाबा जी के पास गया, महात्मा के पास गया, कहा कि हमें आपसे एक बात पूछनी थी। उन्होंने कहा, बोलिए। आप बीच में डांटे, हमको अच्छा नहीं लगा। बोले, कब डांटा मैंने? तो ऐसी बातें हमने पूछा इसलिए, पूछा कि विचारों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो आपने मुझे डांटा। उन्होंने कहा, मैंने डांटा नहीं, मैंने विचार ही तो रखा, और विचार का ही तो प्रभाव था कि मैंने एक बार बोला और आप बैठ गए। मेरे मित्र, विचार का प्रभाव पड़ता है। और गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय में जो भी क्रांतियां होगी वो विचार क्रांति होगी। अब ये लाठी डंडे वाले नहीं, एक तरफ अच्छे विचार वाले लोग होंगे, एक तरफ बुरे विचार वाले। आप देखिएगा, आपका ग्रुप है गांव में, बहुत सारे हमारे भाई गए होंगे, कई लोग बुरे विचार लेके आते होंगे, अरे आया है गांव में, क्या होगा, अब कोचिंग खुलेगा भी तो तुमको जाने में समय लगेगा, अब तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो गया। अब ये बुरा विचार जहर के रूप में आपके मस्तिष्क में डाला जा रहा है। अब आपको देखना है कि आप क्या गेन करते हैं, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी आएंगे कि अरे बहुत समय हम लोग देखे हैं, बुरा से बुरा समय आता है, परिस्थितियां आती है, समय के साथ कटता चला जाता है। उसमें कई तरह के लोग उदाहरण देंगे, भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि होनी थी राजगद्दी और वनवास चले गए, फिर देखिए उनके जीवन में खुशहाली लौट के आई। तो ऐसे तरह तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। विशेषकर हम उन भाइयों से जो पढ़ने वाले हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि आप तनाव में ना जाएं। जब भी तनाव हो, आपका कई सारा मन, भैया का वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसको सुने, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन के साथ साथ अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय नहीं बन पड़े तो आप YouTube प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ PYP बिहार अपना YouTube चैनल है, उस पर जाइए, बहुत सारा भैया का वीडियो है। आप किसी एक वीडियो को इत्मीनान से सुने और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम सारे भाइयों को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और आपसे भाव भरा निवेदन है कि नियमितता पूर्वक 30 मिनट गायत्री की साधना जरूर करें।